दीपक जो खुद जलता है लेकिन दूसरों को उजाला देता है। आज हम ऐसे ही एक दीपक की कहानी आपको बताने जा रहे हैं जो अपनी खुशियों को कुर्बान कर अपनी बहन के सपनों को पंख लगाने के लिए निकल पड़ा है। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के भदोही के सुरियावां में, और सुरियावां इन दिनों सुर्खियों में है क्योंकि यहाँ का यशस्वी जायसवाल जो IPL में धमाल मचा रहा है। ऐसे ही ये दीपक हैं, ये भी सुरियावां के हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे। लेकिन जब ये क्रिकेट खेलते थे, अगर तस्वीरें मैं दिखाऊं तो घर के बाहर ये देखिए वो मैदान है जहां पे बच्चे सीख रहे हैं, बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं। NNS एकेडमी है जो बच्चों को वहां प्रशिक्षण देती है, और उसी एकेडमी के थ्रू यशस्वी भी सीखे थे, उन्होंने भी सीखा था और निकल के गए। और ये भी दीपक जो है वहाँ पे जाके सीखते थे। दिन में भाई क्रिकेट खेलता था और रात में अपनी बहन को क्रिकेट खिलाता था उसी मैदान में। भाई को खेलते देख के बहन भी खेलना सीखना चाहती थी। भाई ने देखा कि बहन के अंदर ज़्यादा काबिलियत है क्रिकेट खेलने की बावजूद इनके, तो इन्होंने सोचा क्यों न मैं अपनी बहन को ही आगे बढ़ाऊं। और बहन को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने अपनी खुशियों को कुर्बान किया, अपना खेल बंद किया, और जो ज़रूरत होती है आर्थिक स्थिति की, जो मजबूत नहीं होती, पैसों की आवश्यकता होती है इसमें, तो इसलिए ये निकल पड़े काम करने और अपनी बहन को खिलाड़ी बनाने के लिए। दीपक, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा और बहुत बधाई हो तुमको कि तुम अपनी बहन के सपनों को साकार करने के लिए लगे हुए हो। कैसे तुमको पता चला कि बहन तुम्हारी इतना अच्छा क्रिकेट खेल रही है? हम तो अभी ग्राउंड में गए थे तो वहाँ सर ने बताया कि ऐसी ही बात थी। क्या जो मैंने बताया वो सही है? यस सर, सही है। अच्छी बैटिंग करती थी वो, मेरे को नहीं मालूम, वो तो भदोही गई, अच्छा प्रदर्शन किया, पहली मैच में अच्छा स्कोर किया और न्यूज़ पे भी आई। मेरे को नहीं लगता था वो खेल सक, लेकिन धीरे धीरे बैटिंग देखने लगे और यशस्वी भाई की, तेजस्वी भाई, उन्होंने बैटिंग देखा, बोले कि बहुत अच्छा लेडीज़ अच्छी बैटिंग कर रही हैं। क्योंकि ये आजकल के लिए इंडिया प्लेयर हर लेवल के हिसाब से लेफ्ट हैंडर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, और उसमें नेचुरल भी है, लेफ्ट हैंडर के अंदर बैटिंग के लिए नेचुरल भी होता है। वो अच्छा खेल भी रही है, अच्छा प्रदर्शन कर रही है, बस सर यही। अच्छा, आपकी बहन का क्या नाम? शिवानी मौर्या। शिवानी लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है। तेजस्वी ने, आपने तेजस्वी से आप मिले थे जो यशस्वी के भाई हैं, यशस्वी जायसवाल के? यस सर। अच्छा, उन्होंने क्रिकेट को देखा उनके और बताया कि हाँ टैलेंट है, लड़की खेल सकती है, तो उसके बाद आप खिलाने लगे। जैसे घर की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, पैसों की भी बड़ी समस्या होती है इसमें, क्योंकि आप भी खेलते थे तो आपका भी सपना रहा होगा क्रिकेटर बनने का, तो ये बहन को कैसे, क्योंकि आजकल समाज में देखा जाता है दीपक, लोग जो है जब लड़कियाँ खेलने निकलती हैं तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और गाँव में ऐसा बहुत कुछ होता है, तो ऐसी समस्याएँ आप लोग के सामने भी आती होंगी? सर बहुत आई थी, लेकिन हम लोग इग्नोर किया उसको कि जाने तो क्या मतलब है, कुछ नहीं, जो कर रही अच्छा कर रही है, खेल रही है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या नहीं कहेंगे, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। खाना है, सोना है, फिर सुबह उठना है, वो अपना भविष्य बना रही है, वो खेल रही है, हमको काम करना, कोई भी काम हो, झोपड़पट्टी हो, मैरिज हाल हो, वेटर काम हो, चाहे ईंटें उठाने का काम हो, कोई भी काम हो, काम करना है, पैसा है बस उसके लिए, यही बस। बिल्कुल, तो तुम कब निकले मुंबई काम करने के लिए, यहाँ से कब जाना होगा? यहाँ सर हमको लगभग 7-8 महीने रहे, अभी आए, वो 7 तारीख को आए हैं अभी, भैया की शादी भी है। अच्छा। थोड़ी प्रॉब्लम उसमें भी है, बहन खेल रही है इलाहाबाद APL, आज उसका मैच है, ऊपर वाले इलाहाबाद APL में आज मैच है, आज उसका मैच है, घर वाले दुआ आज रन बनाए या शाम को क्या होगा तो देखा जाएगा। क्या बात है, नहीं बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन करेगी, हमारी भी शुभकामनाएं हैं। माता जी कहाँ है रोहत बाटुआ, कहाँ है, क्यों रो रही हैं आप बताइए? आपकी बेटी खेल रही है इसलिए रो रही हैं आप? हाँ, क्या बात है, किस बात को लेकर रो रही हैं, कि ये जो समाज कुछ बोलता है क्या? हाँ, फिर कहाँ है, आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं। देखिए ये माता जी हैं और शिवानी की माँ हैं। अभी जब हम यहाँ आए तो इनकी बातों से ये पता चला कि जैसे जब लड़कियाँ निकलती हैं घर से तो लोग अगल बगल वाले बोलते हैं यहाँ बेटी खिलावत हैं, बिटिया के बाहर भेजत हैं, ऐसे ताने मारते हैं, उसी का दर्द इनकी आंखों में झलक रहा है कि जो लोग कहते हैं इसीलिए ये रो रही हैं। माता जी मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, आप रोइए मत, आज बेटियाँ किसी भी मामले में बेटों से पीछे नहीं हैं, और आपकी बेटी अगर खेल रही है तो निश्चित तौर पे जिस तरह से दीपक उसका साथ देना, एक दिन वो आपका नाम रोशन करेगी और लोग यहीं आपके घर पर आएँगे और आपके साथ सेल्फी लेंगे, आपके साथ फ़ोटो खिंचाएँगे। आप सिर्फ साथ दीजिए उसका, उसको खिलवाइए, खेलने मन लगता है उसका ना? हाँ। क्या कहती है खेल को लेकर? खेला थी सर, जौन भाई यूँ आ जाती ना, कही थे कि घरे थोड़ा काम करवा ले, चले जाती वहाँ ग्राउंड में खेले। अच्छा। ओ मुन्ना के। अच्छा, ग्राउंड में खेले चले जाती। हाँ, कहीं भी आप प्रैक्टिस के। अच्छा,
हाँ वहाँ तो दिन रात करते ही नहीं चली जाए। अच्छा यहाँ चल जानी प्रैक्टिस करे, तो आप वह सोचत रहा हुई कि गांव जिसे और लड़की के सिलाई उलाई सिखाई दें, ऐसे कुछ सोचे रही आप? तो क्या कहूँ ना सीखती निकुल सीखती ना। अब हम सोचा जैसे दुनिया की लड़की वैसे रहती तो हाँ। भाई ये दुनिया का तो देखत है हम युग का बनी है का बनी है, जब उनका ख्वाहिश हुए तो अपन भाई करें मेहनत वहाँ रंग का बन जाए। बिल्कुल माता जी, जब उनका ख्वाहिश वही है तो आप उसको वही बनने दीजिए, क्रिकेटर बनने दीजिए। बहुत सी लड़कियां हमारे जौनपुर की, राधा यादव और शिखा पांडे भी जो है इंडिया टीम में खेल रही हैं, ठीक है, और कोई उनको ताना नहीं मारा। लोग जाते हैं घर पे फोटो खिंचाते हैं, तो कल को आपकी बेटी शिवानी भी आपका नाम रोशन करेगी निश्चित तौर पर। अब आप उसको मना नहीं करेंगी ना खेलने के लिए? नहीं, देखे विश्वास पर ना कि मैं साथ में और लड़की भी है, इनमें लड़की के साथ रहते हैं विश्वास में। देखिए तो माता जी चूँकि माँ है तो एक डर रहता है बेटी को लेकर, बेटी बाहर जा रही तो कैसे होगी किनके साथ होगी, तो इनका डर भी जायज है। लेकिन अब समय बदल चुका है और क्रिकेट में जो है लड़कियाँ जो है वो बुलंदी पे पहुँच रही हैं, और दीपक अपनी बहन को आगे बढ़ाने के लिए लगातार लगे हुए हैं। दीपक तुमने क्रिकेट छोड़ दिया, अब नहीं खेलते हो? नहीं सर, नहीं खेलते। नहीं खेलते तो तुमको इस बात का दुख भी होगा, मलाल भी होगा कि मुझे छोड़ना पड़ा? सर बहुत ज़्यादा दुख है खेलने के लिए, कि अब भी चांस मिल जाए खेलने, लेकिन नहीं लगता क्योंकि मेरी बहन खेल रही है, इतना मैं उम्मीद है वो खेल सकती है, खेल रही है, पूरी उम्मीद पर है वो खेल रही है तो मैं खेल रहा हूँ बस। कहाँ देखना चाहते हो अपनी बहन को, किस मुकाम पे देखना चाहते हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि दुनिया उसको जाने और इंडिया लेवल तक वो खेले, अच्छी खेले, कम से कम हमारा तो कुछ फ़ायदा हो। हम इतना मेहनत किए हैं सर, हम किसी की मदद भी नहीं लेना चाहते, जो करना चाहते अपने दम पर करना चाहते, चाहे एक रुपये हो लगे चाहे एक लाख रुपये लगे, मैं खुद अपने दम पे करना चाहता हूँ, यही सर बस उम्मीद है। क्या उम्र होगी तुम्हारी बहन की? बहन सर 15 साल है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए तुम्हारी क्या उम्र है? मेरी सर 17। जी हाँ देखिए, 17 साल का भाई अपनी 15 साल की बहन को क्रिकेटर बनाना चाहता है, अपने सपनों को भूल करके अपनी बहन के सपनों में रंग भरना चाहता है। हमारी भी शुभकामनाएँ इनके साथ हैं कि इनका सपना ज़रूर पूरा हो, और अगली बार हम जब यहाँ पहुँचें तो शिवानी का इंटरव्यू लें और शिवानी कहीं ना कहीं एक अच्छी खिलाड़ी बनकर इंडिया लेवल में शामिल हों।